ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए अब हर ग्राम पंचायत भवन में एक कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। इनकी भर्ती संविदा पर की जाएगी। यह ऑपरेटर ग्राम विकास अधिकारी की निगरानी में काम करेंगे। यहीं से ग्राम स्तर के सभी प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही अन्य कार्य किए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति होने के बाद ग्राम पंचायतों में कामकाज में तेजी आ सकेगी। जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिले भर में कुल 1294 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब हर गांव में संविदा पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई है। जिसमें जिस ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए आरक्षण लागू था, वही आरक्षण कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए भी लागू होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर पंचायत भवन में बैठेगा। डीपीआरओ ने बताया कि पंचायत भवनों में कंप्यूटर सहित अन्य इंतजाम के लिए शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2,50,000 रुपये दिए जा चुके हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में वही के इंटरमीडिएट पास युवक का चयन किया जाएगा। उसको 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और उनकी 1 साल के लिए संविदा होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। हाँ, एक सभी जो ग्राम पंचायत भवन है उसमें एक डेटा एंट्री कम अकाउंटेंट रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कल अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम विकास के द्वारा शासनादेश जारी किया गया है, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत में एक ऑपरेटर रखे जाएंगे, जिसकी सैलरी 6,000 रुपया पर मंथ होगी। इसके अलावा हर पंचायत भवन में फर्नीचर लेने के लिए 1,75,000 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। ये धनराशि राज वित्त से या केंद्रीय वित्त से कोई भी ग्राम पंचायत खर्च कर सकती है। अलग अलग उसमें कंप्यूटर, फर्नीचर, टेबल, चेयर, इन सबों के लिए अलग अलग अनुमन्य धनराशि है, जिसका व्यय कोई भी ग्राम पंचायत कर सकती है। इसके अलावा जो हर ग्राम पंचायत में जो कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने हैं, उसमें आरक्षण की ये व्यवस्था की गई है कि प्रधान पद का जिसके लिए आरक्षण है, जिस श्रेणी के लिए आरक्षण है, उसी श्रेणी का आरक्षण डेटा एंट्री ऑपरेटर कम जो अकाउंटेंट है उसके लिए भी रखा जाएगा। इसके जो प्रक्रिया है वो 30 जुलाई से शुरू होगी। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ये इसकी सूचना जो है हर जगह दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी मुनादी कराई जाएगी। लोगों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए लोगों को बताया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे आवेदन पत्र देना है। लोगों में प्रचार प्रसार जो है 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच किया जाएगा। 2 अगस्त से 17 अगस्त तक आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। आवेदन पत्र DPRO ऑफिस में, BDO कार्यालय में, मतलब खंड विकास, यहाँ विकासखंड कार्यालय कहना बेहतर होगा, विकासखंड कार्यालय में और जो ग्राम पंचायत के कार्यालय हैं वहाँ पर आवेदन पत्र जमा कराया जा सकता है। इसके बाद 18 अगस्त से 23 अगस्त तक जो भी आवेदन पत्र DPRO ऑफिस में या ब्लॉक ऑफिस में मिले हैं उसको ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत की जो प्रशासनिक समिति है वो 10 के मार्कशीट और 12 के मार्कशीट को देख करके उनको जोड़ते हुए एक ज्येष्ठता सूची जो है श्रेष्ठता सूची बनाएगी। उस सूची के आधार पे वो रिकमेंड करके जिले पे भेजेंगे। जिले में कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी और सदस्य मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी हैं। ये कमेटी सिर्फ ये देख लेगी कि जो उन्होंने क्रम बनाया है ज्येष्ठता सूची या श्रेष्ठता सूची का, वो सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो उसको वो ओके कर देंगे। वो अपने से अगर गलत है तो उन्हें फिर से वापस भेजेंगे, कहेंगे कि आपकी जो सूची है इसमें ये गलती है, आपने इस लोग को कर दिया है, इस व्यक्ति को किया जो कि इस व्यक्ति पात्र नहीं है, ये पात्र है, इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये कमेटी अपनी तरफ से कोई नया नाम रिकमेंड नहीं कर सकती। जो भी वहाँ से सूची आएगी उसी में अगर कोई गलती है तो उसको सही बता सकती है, और अगर सही है तो उसको सही कह सकती है। बस इस कमेटी के द्वारा जब अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद करके इसको फिर से नियुक्ति पत्र जो है 8 सितंबर से 10 सितंबर 2021 के बीच में ऐसे सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट को नियुक्ति पत्र 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में निर्गत कर दिया जाएगा। सर उसी गांव के रहेंगे बाहर के गांव वाले? बिल्कुल, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये उसी गाँव के वासी रहेंगे जिस गाँव में ये इनका चयन होना है, जिस गाँव के लिए चयन होना है, और ये उसी श्रेणी के रहेंगे जिस श्रेणी के लिए प्रधान पद आरक्षित है।
अगर कहीं पर प्रधान पद अगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो जो भी ऑपरेटर होंगे वो अनुसूचित जाति के लिए ही के ही होंगे। अगर उस गांव में नहीं मिलते हैं उस कास्ट के या आरक्षण सूची नहीं आते तब क्या होगा? नहीं, अगर किसी गांव में अगर आरक्षण सूची में कोई आ रहा है तो इतने होंगे, हमें ये उम्मीद है कि इतने 12 पास आजकल साक्षरता इतनी ज़्यादा है कि 12 पास लड़के हर हाल में मिल जाएंगे आजकल, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी कास्ट हो, सब में पढ़े लिखे लड़के हैं, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि हर जगह कैंडिडेट मिल जाएंगे। सर, ग्राम पंचायतों को इतना सक्रिय किया जाता है, क्या मकसद है इसका? गांव के अंदर ही रोजगार देना या गांव से बाहर ना लोग चाहें बैठते हैं? दोनों चीज़ है इसका मकसद। सरकार का ये है कि एक तो ग्राम पंचायत में लोगों को रोजगार मिल जाए, दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद है कि ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संस्था, ग्राम पंचायतों का कार्य जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके अधिकार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उनको, और जो सारा काम है अब ऑनलाइन हो रहा है, सारा काम जो है वेबसाइट के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, चूँकि डिजिटलाइजेशन हो गया है तो उसके लिए ग्राम पंचायत के पास भी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होंगे, जो भी प्लान अपलोड करना है ग्राम पंचायत की कार्य योजना को अपलोड करना है उसको अपलोड करेंगे, इसके अलावा जो है उसके जो कोई भी कार्य निकालने में सचिव की हेल्प करेंगे, प्रधान की हेल्प करेंगे, अगर उनको पेमेंट करना है, अगर कोई किसी का कार्य योजना के साथ सापेक्ष अगर आईडी को ऑनगोइंग करना है, ये सारे कार्यों में वो प्रधान और सचिव की मदद करेंगे। इसके अलावा जो इनका सबसे और कार्य होगा ग्राम पंचायत में, मुख्य जो दिक्कतें होती है ऑनलाइन करने के लिए, जैसे किसी को अगर डेथ सर्टिफिकेट इशू कराना है, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र जारी कराना है, किसी तरह का पेंशन को ऑनलाइन करना है, अब जैसे पता होगा सब कुछ ऑनलाइन होता है, पेंशन भी किसी को अगर चाहिए तो उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, किसी का अगर राशन कार्ड की आवश्यकता है तो उसके लिए उसे ऑनलाइन एंट्री करना पड़ता है, ये सब में ये जो ऑपरेटर होंगे उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा उसी ग्राम पंचायत में बैंक सखी की बैठने की व्यवस्था की जा रही है, हर पंचायत भवन में बैंक सखी भी बैठेगी, वो बैंक सखी जो है जो छोटे अमाउंट जो गाँव से निकालने होते हैं उनके लिए उनको बैंक नहीं जाना पड़ेगा ग्रामवासियों को, उनको वहीं पर वो जो भी ज़्यादातर ग्रामवासी जो होते हैं छोटा अमाउंट ही विड्रॉ करते हैं, तो वो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो बीएससी जो होती है वो उसी वो जगह पंचायत भवन बैठेगी और उसकी मदद से वो आराम से पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जिस तरह के कार्य जो है, जो सीएससी है, जो सहज कम जो सहज जनसेवा केंद्र है, उसके भी जो स्टाफ रहेंगे वो भी वहाँ बैठेंगे, वो जिस तरह का जो भी ऑनलाइन अगर किसी का आवेदन नौकरी के लिए आवेदन है या जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण किसी तरह का भी जो मदद है वो लोग भी वहाँ करेंगे। इस तरह से जो है ग्राम पंचायत को अपने आप में एक पूरी तरह से कंप्लीट ऑटोनॉमी दे करके अपना जो अपने आप में पूर्ण हो, सारी जो समस्याओं का जो समाधान हो ग्राम पंचायत में, स्वयं ग्राम पंचायत अपना करने में सक्षम हो, यही सरकार की मंशा है, इसी के तहत ये कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के पास अपने सारे रिसोर्स हों, सारे व्यक्ति उपलब्ध हों जो कि ये कार्य कर सकें।